अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूं। द फिगर शोज एन एम्प्टी हॉल विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द थिकनेस ऑफ द वॉल्स एंड द रूफ। फाइंड द एयर स्पेस इन द हॉल। तो ये एक हॉल है हमारे पास, एम्प्टी है यानी खाली है। तो इस हॉल की अगर हम वॉल्स और रूफ की थिकनेस को, ठीक है, उसकी जो मोटाई है उसको अगर हम शामिल ना करें, ठीक है, उसको शामिल किए बगैर हमने इसके अंदर मौजूद जो फ्री स्पेस है उसको फाइंड करना है, ठीक है। इन शॉर्ट के आपने इसके अंदर जो फ्री स्पेस है वो फाइंड करनी है। ये इसकी शेप हमें गिवन है। तो शेप को देखें तो ये एक प्रिज्म शेप है, ठीक है। तो हमने थिकनेस को इग्नोर करना है और बाकी शेप का जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, ये एक प्रिज्म शेप है, फ्रंट पे इसकी ये बेस है और ये इसकी लेंथ है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, ये हमारी इसकी फ्रंट पे बेस एरिया होता है और ये इसकी होगी लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसका बेस एरिया फाइंड करेंगे। बेस एरिया फाइंड करके हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो बेस एरिया की बात करें तो हमारे पास कुछ इस शेप की बेस गिवन है। तो इस शेप का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस शेप को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो हमारे पास दो शेप्स बन जाएंगी, एक हमारे पास बन जाएगा एक रेक्टेंगल और एक हमारे पास आ जाएगी एक ट्रायंगल। तो हम रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल दोनों का एरिया फाइंड करेंगे तो ये इस पूरी शेप का बेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये जो है ये एक परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ की बने, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है, 38 मीटर। तो अब देखें तो ये एक रेक्टेंगल शेप है, इसकी लेंथ और विड्थ क्या है। अगर आप बात करें इस लाइन की, ये लाइन जो है ये इस लाइन के इक्वल है, ठीक है। ये जो मार्क बता रहे हैं कि ये और ये जो साइड्स हैं इसकी, ये इक्वल लेंथ की हैं। ये 23 है, ये भी 23 होगी, ठीक है। इसके बाद देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक जो डिस्टेंस गिवन है वो है हमारे पास 21, ठीक है। तो इसके बाद देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो है 21 मीटर। और ये डिस्टेंस जो है ये बराबर है इस डिस्टेंस की, यानी बिल्कुल इसी सेंटर से लेके इस कॉर्नर तक जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास ये 21 है, तो ये भी हमारे पास 21 है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है यानी 21, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी हमारे पास सेम होगी क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ये जो मार्क हैं ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी और इसकी लेंथ सेम है। तो ये 21 है, ये भी 21 होगी, ठीक है। तो ये 21 है तो 21 मजीद करें तो टोटल हमारे पास बन जाएगी 42 मीटर, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस रेक्टेंगल की, यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगी हमारे पास 42 मीटर। ये 21 और प्लस 21 करेंगे तो आ जाएगी 42 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ आ गई है, ठीक है। ये इसकी लेंथ आ जाएगी 42 और विड्थ आ जाएगी 23। इससे हम इसका एरिया इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें तो अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल की ये जो लाइन है ये है इसकी बेस और ये जो लाइन है ये इसकी हाइट है। बेस जो है उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 42, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास 42, ठीक है। और इसके बाद ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट बन रही है इस ट्रायंगल की, वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है 38। 38 में से हम यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक जो 23 मीटर है ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो थी 38, जिसमें से मैं 23 माइनस कर दूंगा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बनती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 15 मीटर, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट है 38 मीटर और इसमें से 23 हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये जो फासला, ये जो डिस्टेंस रह जाएगी या इस लाइन की जो लेंथ रह जाएगी वो हमारे पास रह जाएगी 15 मीटर, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमें इस ट्रायंगल की भी डायमेंशंस मालूम होगी, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इसका। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक हो गया। इसका बेस एरिया क्या आएगा, एक हमारे पास है रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है 42
और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 से, तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल की जो बेस है वो है हमारे पास 42, तो बेस हमारे पास है 42 और इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 15, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया और ये आ जाएगा हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद हम इस सारे एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट जो कि है हमारे पास 80, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे इससे पूरे प्रिज्म का वॉल्यूम। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 966। और इसमें अब देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 वन्स एंड 2 21s, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 एंड 15, ठीक है। ये मैंने कटिंग कर ली है, फिर 21 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इनको प्लस करेंगे और फिर इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 966 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 315 और इनटू 80। ओके, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1281, ठीक है, 1281। और फिर इसको हम लास्ट में अब 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 102480। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इसका वॉल्यूम हमारे पास 102,480 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इस हॉल के अंदर की फ्री स्पेस है और इसका वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें हमने इसकी वॉल्स और रूफ़ की थिकनेस को कंसीडर नहीं किया, जस्ट हमने एक शेप कंसीडर करके इसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक प्रिज्म शेप का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे पास कुछ प्रिज्म शेप गिवन है और इनका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट शेप गिवन है ये, ठीक है। तो इस शेप की बात करें तो हमारे पास इसकी डायमेंशंस गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है इसकी जो बेस है, और ये जो मार्क हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों साइड्स की लेंथ जो है ये सेम है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो हाइट गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर। तो इस शेप का हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि प्रिज्म शेप है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो बेस एरिया जो है ये इसका फ्रंट वाला जो है ये इसका बेस एरिया है और ये एक ट्राइंगल शेप है, ठीक है। और ट्राइंगल शेप का जो एरिया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये जो है ये इस ट्राइंगल की बेस जो है ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और हाइट जो कि आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम इस ट्राइंगल बेस का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देनी है इस प्रिज्म की जो हाइट है, ठीक हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। बेस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और फिर मल्टीप्लाई करते हैं हाइट, हाइट जो है इस ट्राइंगल की ये है 4 सेंटीमीटर, और फिर मल्टीप्लाई इस हाइट से प्रिज्म की हाइट से हम कर देंगे, ठीक है, यानी 15 से। तो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तो 2 1 2 2 3 6 3 4 आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 15। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास इस प्रिज्म का, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इसका सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया। ओके, तो अब देखें हमारे पास इस प्रिज्म की जो सरफेस हैं वो कितनी है, ठीक है, यानी इसकी कितनी सतहें हैं। एक अगर बात करें तो एक हमारे पास फ्रंट साइड पे एक ट्रायंगल है और इसका एरिया ये इसकी फ्रंट साइड की सरफेस का एरिया आ जाएगा। बिल्कुल इसी शेप की एक साइड हमारे पास इसकी बैक पे है, ठीक है, तो एक उसकी सरफेस का एरिया आ जाएगा। फिर हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो सरफेस है एक हमने इस सरफेस का एरिया फाइंड करना है। फिर इसी तरह की इसकी लेफ्ट साइड पे भी एक सरफेस है उसका भी एरिया फाइंड करना है, वो भी तकरीबन इसी साइज़ की है, ठीक है।
फिर एक बॉटम में हमारे पास इसकी सर्विस है, ठीक है, यानी राइट लेफ्ट बॉटम, ये तीन सर्विसेज होगी, फिर फ्रंट और फिर इसी तरह की एक बैक पे सर्विस है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फाइव सर्विसेज बनती है, फ्रंट, बैक, फिर ये राइट साइड पे जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, और फिर इसी तरह की एक लेफ्ट साइड पे भी है और फिर बॉटम में भी है, ठीक है। तो इन सारी सर्विसेज का एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम, ये जो फ्रंट पे जो सर्फेस है ये एक ट्रायंगल शेप है, इसकी सरफेस का एरिया अभी हमने निकाला था वो कितना आया था 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इसकी सरफेस का एरिया जो फ्रंट साइड है ये हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था ये कितना था 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो जितना एरिया इस फ्रंट साइड का है इतनी ही सेम ट्रायंगल हमारे पास इसकी बैक साइड पे भी है, तो इस 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो ये दो सर्फेस का एरिया आ जाएगा, एक इस ट्रायंगल शेप की जो फ्रंट साइड पे है और इसी शेप की एक बैक साइड पे भी सरफेस है जो कि सेम इसी ट्रायंगल की तरह है, ठीक है, यानी वो भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साइड का जो एरिया है वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 2 से करेंगे तो फ्रंट और बैक साइड का जो सरफेस जो है इसका एरिया भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें प्लस करते हैं हम, अब हमने राइट लेफ्ट और बॉटम, बॉटम ये इस प्रिज्म की जो निचली सतह होगी, ठीक है, इसकी सरफेस का एरिया भी फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जिसके फ्रंट साइड पे जो बेस है इसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो साइड है ये हमारे पास है 5, ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 5 एंड 5 10 10, और ये जो बॉटम है ये 6 सेंटीमीटर का है, तो 10 एंड 6 आ जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो 5 5 10 एंड 6 16 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी हाइट से, ठीक है। 16 जो है ये इसका पैरामीटर है इसकी फ्रंट साइड से, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 15 से। तो इस तरह से करने से हमारे पास इसकी राइट लेफ्ट और जो बॉटम में जो सरफेस है इस सारी का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो लेंथ थी 5 थी, इसकी 5 थी, इसकी 6 थी, 5 5 10 एंड 6 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 को इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट और इसी तरह की एक सरफेस लेफ्ट पे भी है और एक बॉटम पे भी है, तो तीनों सरफेस का एरिया हमें 16 को 15 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। 5 5 10 एंड 6 16 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन सर्फेस का एरिया आ जाएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने से फ्रंट और बैक साइड पे जो सरफेस है उसका भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यूं 5 की 5 सरफेस का एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 12 टू जर आ जाएगा 24 और प्लस 16 को 15 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 240, और 240 में 24 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 264 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इस प्रिज्म की सारी साइड्स और तो इस प्रिज्म की 5 की 5 सर्फेसेस का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे इस शेप का सरफेस एरिया भी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ये, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस देखें तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर ये 6 सेंटीमीटर, और फिर ये जो साइड गिवन है इसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है, ये जो हाइट है इसकी प्रिज्म की वो है 9 सेंटीमीटर, और ये जो तो बॉटम में जो हमारे पास लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रिज्म शेप गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो प्रिज्म की बेस का एरिया और इसको फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेस का एरिया क्या आ जाएगा देखें, तो बेस इसकी देखें तो हमारे पास ये सारी इसकी बेस है फ्रंट साइड के ऊपर, और इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें दो पोर्शन में, तो यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन मार्क कर दूँ तो हमारे पास अब दो शेप्स बन गई हैं, एक ये भी रेक्टेंगल शेप बन गई है और एक ये रेक्टेंगल शेप भी बन गई है। तो इन दोनों रेक्टेंगल शेप्स का एरिया मैं प्लस कर दूं तो हमारे पास इसका बेस एरिया आ जाएगा इस शेप का, ठीक है। तो फाइंड करते हैं इसकी फ्रंट साइड के ऊपर जो बेस है इसका एरिया, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, फिर हम इस छोटे रेक्टेंगल की बात करें
तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी और विड्थ कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। 5 में से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो 5 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी 2 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ बनती है ये बनती है 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगी। ओके, इसके बाद हमारे पास देखें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। देखें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो टोटल है यहाँ पे 7, उसमें से मैं 6 माइनस करूँगा तो हमारे पास ये जो साइड है ये आ जाएगी जस्ट 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी 3 और विड्थ आ जाएगी 1, तो आ जाएगा 3 × 1। ओके, इस तरह से हमारे पास इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, एक 7 × 2 = 14 आ जाएगा और एक 3 × 1 = 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस पूरी शेप यानी इस शेप का बेस एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर आखिर में हमने क्या करना है, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट जो है हमारे पास है वो है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 2 = 14 प्लस 3 × 1 = आ जाएगा 3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 14 + 3 आ जाएगा हमारे पास 17 × 9। ठीक है। और 17 को 9 से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 153 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम इस पूरी शेप का। ठीक है। तो इसका जो बेस एरिया था इसको मैंने मल्टीप्लाई इसकी हाइट से यानी 9 से कर दिया। ठीक है। तो इस प्रिज्म शेप का जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो इस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट हम इस शेप का वॉल्यूम। अब हम फाइंड करते हैं इसकी सरफेस का एरिया। तो अब बात करें सरफेस एरिया की, तो इसकी बहुत सारी सरफेसेस हैं। एक तो हमारे पास ये फ्रंट पे सरफेस है, इसी तरह की एक हमारे पास बैक पे सरफेस है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फ्रंट और बैक पे जो सेम इसी साइज की सरफेस है इनका एरिया निकाल लेता हूँ। और ये हमने अभी एरिया निकाला था जो हमने वॉल्यूम के अंदर हमने फाइंड किया, और इसका जो बेस एरिया आया वो कितना आया, 17। तो हमारे पास ये जो फ्रंट साइड है इसकी जो बेस है इसका एरिया है हमारे पास 17। सेम इसी साइज की शेप जो है ये हमारे पास इसकी बैक साइड पे भी है। तो बैक साइड और फ्रंट साइड जो है इसकी बेस का एरिया आ जाएगा हमारे पास 17, और फिर इसको एक और दफ़ा 17 में ऐड कर दें या 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इसकी फ्रंट और बैक साइड की सरफेस का एरिया। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, हमारा जो ये बेस एरिया आया था ये फ्रंट वाली साइड जो थी इसके एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फ्रंट साइड और इसी तरह की इसकी बैक साइड पे भी एक सरफेस है उसका और इस साइड का एरिया भी हम फाइंड इजीली कर सकते हैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। क्योंकि इस साइज की एक सरफेस हमारे बैक साइड के ऊपर भी है। ठीक है। तो 17 ये है तो 17 ही हमारे पास वो भी होगी। ठीक है। तो 17 × 2 = आ जाएगा 34। ठीक है। और इसमें हम प्लस अब कर देंगे, हमारे पास ये जो सर्फेस हैं ये सारी सर्फेस, फिर बॉटम में, फिर लेफ्ट में, इन सारी सर्फेस का एरिया कैसे फाइंड कर लेंगे। मैं ये जो फ्रंट साइड है इसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक है 7, 7 में प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी फिर 6, फिर यहाँ से यहाँ तक है 3, यहाँ से यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास फ्रंट फेस है इसकी बाउंड्री की लेंथ मैं सारी की सारी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए आ जाएगी 7 × 2 = 9, 9 × 6 = 15, 15 × 3 आ जाएगी हमारे पास 18, 18 एंड ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। 18 × 1 आ जाएगा 19, 19 × 5 आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है ये आ जाएगी हमारे पास 24 24 को अब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है इसकी जो हाइट है प्रिज्म की। ठीक है। तो 24 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 216। ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास फ्रंट और बैक को छोड़ के बाकी जितनी सर्फेस हैं इसकी, ये फिर बॉटम और फिर लेफ्ट साइड पे सारी सर्फेस का एरिया आ जाएगा 216 सेंटीमीटर्स के। ठीक है।
इसमें अब हम फ्रंट और बैक साइड का सरफेस का एरिया प्लस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 250, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस सारी की सारी सरफेस का एरिया बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बाद हमने सरफेस एरिया भी इसका फाइंड कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इजीली सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेसन, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।